हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस की एक और प्रैक्टिकल वीडियो में। दोस्तों, ये जो वीडियो है वो हमारी हाउस वायरिंग से रिलेटेड है। क्या हुआ, एक जो हमारे कस्टमर हैं उनके मकान में दीवारों पर करंट आ रहा था। बाथरूम हो, किचन हो, रूम हो, सभी जगह उनका बहुत करंट आ रहा था। तो जब उनने हमें बताया कि हमारे यहाँ करंट आ रहा है जिसकी वजह से हम कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं, दीवारों को छूने पर भी बहुत करंट आ रहा है, तो जब वहाँ पर हमने जाके देखा तो टेस्टर से जब दीवारों पर देखा, वहाँ पर क्या था, जो बारिश की वजह से जो दीवारें गीली हो गई थी, सीढ़न आ गई थी वहाँ पर दीवारों में। तो जहाँ जहाँ दीवार गीली थी वहाँ पर टेस्टर लगा के देखा तो वहाँ पर करंट आ रहा था। तो हमने पहले क्या किया, हमने मेन MCB को ही बंद करके देखा, आइसोलेटर को। जब उसको बंद किया, फिर हमने चेक किया तो वहाँ पर फिर भी करंट आ रहा था। ये बहुत सोचने वाली बात थी कि जब हमने मेन MCB को बंद कर दिया, मेन सप्लाई को भी बंद कर दिया, फिर भी करंट आ रहा है, तो ये कहाँ से आ रहा है। तो हमें इसी फॉल्ट को आज सॉल्व करना है कि ये फॉल्ट को कैसे ढूंढें। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल KB इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो चलिए, आज का हम वीडियो शुरू करते हैं और इसको देखेंगे हम इस फॉल्ट को कैसे दूर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो बाथरूम में एक आयरन की रॉड लगी हुई है वहाँ पर सबसे तेज़ करंट आ रहा है, और जो हमारे रूम है वहाँ पर भी, जहाँ जहाँ हमारी दीवारों पर नमी आई हुई है वहाँ भी बहुत तेज़ करंट आ रहा है। अगर गलती से कोई भी दीवार को टच कर रहा है तो उसे बहुत तेज़ का शॉक लग रहा है, सभी लोग बहुत डरे हुए हैं। तो चलिए, पहले हम क्या करेंगे, जो MCB है हमारी उसको ऑफ कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम चेक करेंगे कि जो करंट है हमारा वो अब आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम वहाँ पर चेक करेंगे जहाँ पर सबसे ज़्यादा करंट आ रहा है। क्या है, एक जो रूम है ये वाला, इसमें जो दीवार है उसमें सबसे ज़्यादा नमी आई हुई है बारिश के कारण, तो इसमें सबसे ज़्यादा करंट आ रहा है। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं अब कि अभी करंट आ रहा है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, अभी भी यहाँ पर करंट आ रहा है, जो कि हमारी मेन सप्लाई है वो भी हमारी बंद है, ऑफ है वहाँ पे MCB, फिर भी करंट आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी मेन केबल आ रही है मीटर से, उसको चेक करेंगे कहीं वो तो कहीं शॉर्ट नहीं हो रही। तो जब हमने मीटर केबल को देखा तो वहाँ से जो आ रही है वो बिल्कुल ओपन में थी और वहाँ उसमें कोई फॉल्ट नहीं था। तो उसके बाद हमने MCB बॉक्स को भी खोल के देखा और जो किटकैट फ्यूज़ लगे वो बोर्ड को भी खोल के देखा, तो वहाँ पर देखा तो वहाँ पर भी कोई फॉल्ट नज़र नहीं आया। तब फिर क्या हुआ, इनके बगल में एक और मकान है तो उनने भी हमें बताया कि हमारे यहाँ भी बाथरूम में करंट आ रहा है। तो इसके बाद हमें लगा कि हो सकता है जो करंट इनके यहाँ आ रहा है वो इन्हीं के यहाँ से आ रहा हो। तो हमने उनके यहाँ जाके चेक किया, जो MCB है उसको ऑफ करके देखा, तो पता चला कि जो करंट है वो इन्हीं के यहाँ से वहाँ तक जा रहा है। इसके बाद हमने क्या किया, जो हमने एक एक MCB को ऑन करके देखा, तो जिससे हमें पता चल जाए कि जो करंट आ रहा है वो कौन सी MCB के लोड से जो है हमारी शॉर्ट होके आ रहा है। तो जब हमने ये करके देखा तो हमें पता चला कि जो हमारे बीच वाली MCB है उसी से जो है हमारा जो करंट आ रहा है उसको ऑन करने से हमारा करंट सब जगह पहुँच रहा है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, जो भी उस MCB से लोड चल रहा था उसी को सबको चेक किया, और उसके बाद चेक करने के बाद हमें जो पता चला कि जो इन्होंने क्या किया, ये कूलर की जो मोटर है उसको छत से ऐसे लटका के रखी एक आयरन रोड की सहायता से, और उसमें जो वायर का यूज़ किया वो एक ख़राब वायर का यूज़ किया और उसमें कई जगह कट भी लगे हुए थे, इंसुलेशन निकला हुआ था। इसके बाद क्या हुआ, जो मोटर के वायर हैं वो हमारी इस बोर्ड के सॉकेट में लगे हुए थे, तब हमने इन वायर को सॉकेट से निकाला तो इसमें बहुत तेज़ स्पार्किंग हुई, और फिर हमने जब इसको दोबारा लगाया तो इसके बाद हमारी MCB भी ट्रिप हो गई। तो इससे कन्फर्म हो गया कि जो हमारा फॉल्ट है वो इसी मोटर की वजह से है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो करंट की समस्या है वो तो इनके यहाँ से है, फिर करंट उनके यहाँ कैसे पहुँच रहा है, तो वो हम आपको बताते हैं। जो इन्होंने जिस रॉड की सहायता से मोटर को लटकाया हुआ है वो रोड जो है वो लेंटर में जो जाल बिछाया जाता है उससे कनेक्ट है, और दूसरी बात, जो दोनों मकानों के जो लेंटर हैं उनके जो जाल हैं वो भी आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं, इसी के कारण है जो करंट है वहाँ तक पहुँच रहा था। और उनके यहाँ जो करंट इसलिए ज़्यादा पहुँच रहा था क्योंकि उनके यहाँ जो दीवारों में बहुत नमी आ गई थी बारिश की वजह से, और जहाँ जहाँ दीवारों में नमी आ गई थी वहीं पर करंट आ रहा था। और क्या हुआ, इनके यहाँ जो दीवारों पर बिल्कुल भी नमी ना होने के कारण
इनके यहाँ करंट महसूस नहीं हो रहा था, इनके यहाँ सिर्फ जो बाथरूम है वहाँ पर नमी आई हुई थी, तो उसी में इन्हें करंट महसूस हो रहा था। मोटर की कनेक्शन निकालने के बाद जो हमारी करंट की समस्या है वो पूरी तरह से हमारी सॉल्व हो गई है।